पेड़ हमारी जिंदगी है और जिंदगी का अहम हिस्सा है, इसलिए पौधे लगाएं और लोगों को जिंदगी दें। इसलिए तो एमपी सरकार ने इस तरफ कदम बढ़ा दिया है। कैसे, हम आपको बताते हैं। दरअसल पूरे देश में एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू हो चुका है। एमपी में भी इस अभियान के तहत जगह जगह पौधारोपण किया जा रहा है। इसी अभियान के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 23वीं और 25वीं विहिनी विशेष सशस्त्र बल भोपाल में रुद्राक्ष का पौधा लगाया। साथ ही उन्होंने प्रदेशवासियों से अधिक पौधारोपण करने का आह्वान भी किया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश को एक प्रेरणा दी और यह प्रेरणा आज जन अभियान का हिस्सा है। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार ने 5,51,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। इस कड़ी में भोपाल शहर में 40,00,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। शहर के साथ दूसरे जगहों पर भी पौधारोपण किया जा रहा है। वहीं केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री अमित शाह 14 जुलाई को इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान में हिस्सा लेने पहुंचे थे। मित्रों, आज प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश की 130 करोड़ जनता का जो आह्वान किया कि इस वर्षा ऋतु में एक पेड़ मां के नाम ये अभियान को चलाया जाए। जब मोदी जी ने अभियान का सूत्रपात किया तब किसी को मालूम नहीं था कि अभियान एक नारा न रहकर आंदोलन बढ़ जाएगा। आज पूरे देश में हर व्यक्ति अपनी मां के नाम पर एक वृक्ष लगाकर अपनी मां को और धरती माता को दोनों को एक प्रकार से प्रणाम करने का काम करता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज इंदौर ने अपने सभी अलग अलग प्रकार के कीर्तिमानों से बढ़कर के लोगों को जीवन देने के लिए एक वृक्ष 10 पुत्रों के समान है। और 10 पुत्रों का अर्थ आप 51,00,000 अगर पौधे लगा रहे हैं, ये इतना पवित्र काम कर रहे हैं। हमारे तो ग्रंथों में हमारे देवी देवताओं की भी अगर मूर्ति नहीं पूजना है तो वृक्ष से ही हम उनकी पूजा कर लेते हैं। एक दिन में 11,00,000 पौधे लगाए गए, जिसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है।